हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ई सी एल ई। एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश, हर कोई अंग्रेजी सीख सकता है। वेलकम टू द ई सी एल ई। कैसे आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। साथ ही साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मुझे पता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज मंगलवार है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कैन बी, और कैन बी के साथ साथ हमें आपके बीच में वोकैबुलरी भी लाया हूँ। आज 5 से ज़्यादा वोकैबुलरी है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस एंड ये इस वोकैबुलरी के माध्यम से आप अपनी वोकैबुलरी को, मीनिंग्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी बहुत सारी जो वोकैबुलरी है आपकी अपने आप में डेवलप हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एंड फर्स्टली वी शैल गो दी वोकैबुलरी एंड वी शैल मेक द सम सेंटेंसेस। हम कुछ सेंटेंसेस भी बनाएंगे, ओके, और कुछ देखते हैं कौन कौन सी वोकैबुलरी है। आई होप आप के लिए यूजफुल होगा। आप अपने साथ पेन और नोट, जो जिसमें आप नोट करते हो, कॉपी, रजिस्टर्स, जो भी हो, रख लें, वोकैबुलरी को नोट कर लें, ओके। और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो अगर मैं साथ साथ आपके पढ़ा रहा हूँ तो आप वोकैबुलरी भी नोट कर लें। और मैंने कुछ पहचान बनाई, बताइए कौन कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एंड फर्स्ट वोकैबुलरी पे चलते हैं। सो व्हाट इज़ योर फर्स्ट वोकैबुलरी? योर फर्स्ट वोकैबुलरी इज दैट स्पाइट। स्पाइट मीन्स क्या होता है? बावजूद होता है। क्या होता है? बावजूद। बावजूद मीन्स होता है डिस्पाइट। इट इज़ नाउन। ये क्या है? ये नाउन है। इसकी स्पेलिंग अगर देखो तो एस पी आई टी। स्पाइट मीन्स क्या है? बावजूद। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मतलब के बोर्ड के बावजूद, बोर्ड के बावजूद क्या है? यहाँ पर बोर्ड है, बोर्ड के बावजूद भी यहाँ बोर्ड है, बोर्ड के बावजूद यहाँ बोर्ड है। तो क्या बोलेगा? डिस्पाइट ऑफ बोर्ड, डिस्पाइट ऑफ बोर्ड देयर, या फिर देयर इज़ बोर्ड, देयर इज़ इलेक्ट्रिक बोर्ड डिस्पाइट ऑफ बोर्ड, बोर्ड के बावजूद भी ये है। तो हम उसके जो स्थान पहले से, मतलब जो चीज़ पहले से है फिजिकल, या फिर हम बोले कि या मेंटलिटी वो पहले से है, तो उसके बावजूद भी अगर हम कोई काम करें, कोई वर्क है, तो हम वहाँ स्पाइट का यूज़ करते हैं, एस पी आई टी। यह मीनिंग मेरे लिए भी यूज़फुल है, ओके। तो आई होप आप यह मीनिंग भी आपने याद कर ली होगी, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इसकी, ओके। तो आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट वोकैब है, नेक्स्ट वोकैब क्या है? एग्जिस्टेंस। शायद मैंने जो वोकैब है कुछ तो ऐसी है कि मैं डबल डबल आपको बता दी है। तो नेक्स्ट मीनिंग क्या है? एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स क्या होता है? मौजूदगी या फिर अस्तित्व। क्या है? मौजूदगी या फिर अस्तित्व बोलते हैं। ई एक्स आई एक्स एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मीन्स होता है अस्तित्व या फिर मौजूदगी। तो हम बोल सकते हैं कि दुनिया में क्या है? मानवता का अस्तित्व है, दुनिया में मानवता का अस्तित्व है। तो बोलेंगे देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमैनिटीज इन द वर्ल्ड। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड हम बोल सकते हैं, या फिर हम मौजूदगी भी हम बोल सकते हैं, आपको मौजूदगी के सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट मीनिंग है ट्रांसम्यूट। दिस इज द वर्ब, सॉरी, यह क्या थे? नाउन था, एन फॉर नाउन, ए भी नाउन था, ये आपकी वर्ब है। इसका मतलब है ट्रांसम्यूट बोलते हैं, या फिर ट्रांसम्यूट बोलते हैं, ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट मीन्स क्या होता है? परिवर्तित करना या फिर किसी चीज़ को बदलना। क्या है? परिवर्तित करना या फिर बदलना, या फिर हम ईजी वर्ड बोले तो चेंज करना, समथिंग यू वॉन्ट टू चेंज। सो हम बोल सकते हैं क्या? ट्रांसम्यूट बोलते हैं, ओके, यस, शायद सही, ट्रांसम्यूट बोलते हैं। तो ट्रांसम्यूट का परिवर्तित करना, तो बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू ट्रांसम्यूट द कल्चर, मैं कल्चर परिवर्तित करना चाहता हूँ, तो हम बोल सकते हैं, या बदलना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी मीनिंग है, थर्ड, जो फोर्थ मीनिंग है, फोर्थ मीनिंग देख लो, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मीन्स ये भी क्या है? दिस इज द एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब ये अस्पर्श या फिर
ना छूने योग्य, जो अनटचेबल अनटचेबल भी बोल सकते हैं या अस्पर्श भी बोल सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। तो हम बोल सकते हैं कि भारत में कुछ लोग को अस्पर्श कहा जाता है, भारत में कुछ लोग अस्पर्श हैं बोल सकते हैं, सदियों से अस्पर्श हैं बोल सकते हैं। तो सम पीपल आर इनटेंजिबल बोल सकते हैं, कुछ लोग अस्पर्श हैं फ्रॉम द सेंचुरीज, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, स्टेबिलिटीज, शायद मैंने ये भी पढ़ा दी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ जहाँ तक। स्टेबिलिटीज, स्टेबिलिटीज मीन्स क्या होता है, स्थिरता या मजबूती बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं मजबूती बोलते हैं। ये आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव है, नाउन नाउन नाउन, ठीक है। तो ज़्यादातर नाउन नहीं है, बाकी एक एडजेक्टिव एक वर्ब है, सॉरी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, स्थिरता या फिर मजबूती, क्या है स्थिरता या फिर मजबूती हम बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, ये बोर्ड है, ये बोर्ड किस पर टंगा हुआ है, किस पर टंगा हुआ है, दीवार पर, खिलों पर। तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं दीवार में स्टेबिलिटीज है, दीवार में मजबूती है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज स्टेबिलिटीज इन द वॉल बोल सकते हैं। बिल्कुल आसानी के साथ हम बोल सकते हैं, सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो आपकी डबल डबल काम हो रहा है, आपका वोकैबुलरी भी हो रही है आपके, और आपका ये भी हो रहा है, क्या ग्रामर हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मीनिंग, ये तो मैंने 100% मैंने आपको बताया है, परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स क्या होता है, दिस इज नाउन, हटता, दृढ़ता, क्या हट या फिर दृढ़ता बोलते हैं, दृढ़ बोलते हैं, ठीक है। अस्टेबिलिटीज या फिर ऑब्स्टिनेट बोलते हैं, ऑब्स्टिनेट मीन्स भी क्या होता है, दृढ़ता या फिर हटता होती है, ठीक है। इसका मतलब परसिस्टेंस क्या है, परसिस्टेंस बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि लोगों में दृढ़ता है, लोगों में दृढ़ता है, देयर इज परसिस्टेंस इन द पीपल, देयर परसिस्टेंस इन द पीपल। इसकी मैंने क्या लिखी है, डेफिनेशंस भी लिखी है। तो हम बोल सकते हैं कि एक इसके साथ सेंटेंस बनाओ, आर्मी में दृढ़ता है, देयर इज द परसिस्टेंस इन द आर्मी, ठीक है। तो इसकी जो क्या है, इसका ये परसिस्टेंस की डेफिनेशंस मैंने लिखी है, ठीक है, मैंने सर्च कर रहा था। तो क्या है, फिल्म और ऑब्स्टिनेट, इसके मीनिंग दोनों एक, फिल्म एंड ऑब्स्टिनेट कंटिन्यू इन द कोर्स ऑफ द एक्शंस एंड डिस्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड ऑफिजेंस, मतलब क्या है कि क्या हो कि कठिनाइयों, देखो ये डिस्पाइट मतलब क्या है, कई प्रकार की कठिनाइयों के भी बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद, अपोजिशन के बावजूद में क्या है, लगातार दृढ़ता के साथ खड़े रहना, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्स्टिनेट रहना या फिर फिल्म रहना, इसका हम बोल सकते हैं परसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आज की ये वॉकअप थी, आपको वॉकअप कैसी लगी, आपको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सेंटेंसेस बना के। इट इज़ न्यू मीनिंग्स एंड इट इज़ द वेरी यूजफुल फॉर यू, आई कंसीडर दैट, एंड इफ यू मेक दिस सेंटेंसेस तो यू विल नॉट फॉरगेट दिस मीनिंग, सो लेट्स गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास हम कैन वी का हम यूज़ पढ़ेंगे, हाउ टू यूज़ द कैन वी, कैन हाउ कैन वी मेक सेंटेंस ऑफ कैन वी, ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे, एंड इसको मैं रब कर देता हूँ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मीनिंग्स, ओके। सो थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स एंड वी विल गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब करता हूँ और फिर हम चलते हैं कैन बी की क्लास में, किसकी क्लास में, कैन बी की क्लास में, कैन बी की क्लास में हम चलते हैं। तो आपका डबल डबल काम हो रहा है, आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है, आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो रही है। अब बताओ आपको किसकी ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैंने बताया आपको हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ कैन यू प्रैक्टिस, आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कैसा प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रिया पेन, ओके। तो हम इसको पेन उठा लें पहले हम, या तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो मैं बता देता हूँ, ओके। तो चलते हैं किसकी क्लास में, हम कैन वी की क्लास में, ओके। तो लेट्स गो अहेड, ओके। तो ध्यान से देखना, योर फोकस शुड बी ऑन द बोर्ड, और क्लास छोड़ कर नहीं भागना, क्लास को पूरी देखना है, क्योंकि कोई चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। वरना ये सोचने लगा कह रहे ये तो मैं बना सकता हूँ, आई कैन मेक दिस सेंटेंसेस, ओके, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक दिस सेंटेंस। तो हम चलते हैं कैन वी, ठीक है, कैन वी, ठीक है, कैन वी पहचान,
पहचान तो बहुत इजी है, इट इज़ वेरी इजी, बन सकता हो सकता, होना और बनना पूरा मॉडल वर्ब में स्पोकन इंग्लिश में आप अगर मैं बताऊं तो बनना और होना है, ठीक है। तो पहचान क्या है अपनी, पहचान, पहचान की अगर हम बात करें तो वाक्य के अंत में क्या आएगा, बन सकता है या हो सकता है। सेंटेंस क्लास में क्या आएगा, बन सकता है या फिर हो सकता है, या फिर बन सकेगा या फिर हो सकेगा, हो सकता है, सॉरी सकेगा नहीं, सकेगा तो अलग है, ठीक है। तो कुड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, ओके यू कैन अंडरस्टैंड। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सेंटेंस की अगर हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द सेंटेंसेस सो यू कैन मेक, अब बनाओ, बहुत फेमस वर्ड है कि आप शिक्षक, आप शिक्षक हो सकते हो, आप शिक्षक हो सकते हो, आप शिक्षक हो सकते हो, आप शिक्षक हो सकते हैं, घर मजबूत हो सकता है, घर मजबूत क्या हो सकता है, हो सकता है, घर मजबूत हो सकता है, क्या हो सकता है, घर मजबूत हो सकता है, क्या होते हैं, घर मजबूत हो सकता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं भूतों का अस्तित्व, भूतों का अस्तित्व हो सकता है, भूतों का अस्तित्व, भूत बोल लो या फिर गोस्ट, सोल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे मीनिंग्स हैं। तो आप शिक्षक हो सकते हो, घर मजबूत हो सकता है, भूतों का भूतों का क्या हो सकता है, भूतों का, भूतों का अस्तित्व हो सकता है, बोल सकते हैं हो सकता है। हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, बना सकते हैं, इतना लगा दो ठीक ही माता, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आप मजबूत हो सकते हैं भैया, बन सकते हो, आप मजबूत बन सकते हो, बन सकते हो, बन सकते हो कि नहीं बन सकते, यू कैन बी, यू कैन बी स्ट्रांग, ठीक है। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो आई होप आपने इसका फोटो इसकी उतार ली होगी, स्क्रीन शॉट, तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें, और इसकी पहचान है वाक्य के अंत में, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंसेस क्या आएगा, बन सकता है या फिर हो सकता है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप क्लास देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे क्लास, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तो मॉडल्स वर्ब की अगर हम बात करेंगे तो एक ही क्लास में पूरी की पूरी मॉडल वर्ब ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या आप उतना चीज़ें आप याद रख पाते हो, इतनी कंटिन्यू कर पाते हो, आप खुद बताना इसको, ठीक है। तो इसका हम आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए मैं हर चीज़ क्या, एक एक चीज़ बिल्कुल, एक 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 सेंटेंसेस, एक एक मतलब मॉडल्स बिल्कुल, एक एक सेंटेंसेस के साथ, प्रैक्टिस के साथ आपको क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप बहुत चीज़ अगर भूलना भी चाहो ना, कि मैं भूल जाऊँ, ठीक कैन बी, मुझे भूल जा कैन बी, आज से कैन बी, आज से मैंने तुझे भुला दिया तब भी नहीं आप भूल पाओगे। आप अगर वॉन्ट की बात करें, वॉन्ट्स की बात करें, मस्ट की बात करें, शुड की बात करें, कैन बी भूल जा, कैन बी, शुड बी, वॉन्ट टू, आज से मैंने तुझे भुला दिया, देयर मैन, आज तुझे भुला दिया, तो आप भूल नहीं पाओगे। ये इसके जैसा नशा है, इतना भयंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, तो अगर आप इसके साथ बने रहें। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को, और ये मत सोचना कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वही की वजह से सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार पढ़ लोगे जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, ओके। तो फिर आगे बढ़ते हैं,
बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए, कहीं भागना आग्रह मत कि कहीं सोचो करे आई कैन वॉच दिस वीडियो आफ्टर, मैं ये वीडियो बाद में देख सकता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, कैन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर्स इज वेरी इजी हर बार की तरह, लेकिन आप भूलोगे नहीं, एक बार बस विश्वास कर लो। अगर भूलना नहीं चाहते हो, अगर सारी क्लास पढ़ना चाहते हो तो यू कैन गो अहेड, आप फ्री हो, सारी क्लास है बिल्कुल, एक बार में कैन कुड भी बिल्कुल एक ही ग्रामर, तो आप हो गए काम तमाम हो गया, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं, कैन, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं भाई, सीरीज सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को हम अलग देखते हैं क्योंकि एक्टिव वर्ब्स के हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं। फर्स्टली ये अफर्मेटिव हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस रहता है जो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बी प्लस नाउन और एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं। ऐसे नेक्स्ट चलते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट, बिल्कुल भी वो नहीं होना, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फोकस ऑन द स्टडीज, अगर आप स्टडी फोकस करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, या नोट लगा दो जिसे इंटरोगेटिव बोलते हैं, ठीक है, हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस लगते हैं, क्या लगते हैं, क्वेश्चन वर्ड जिन्हें हम बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, यहाँ मैं बी लगाना भूल गया, ठीक है, प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, हो गया। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, क्वेश्चन वर्ड कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं। देखो कितने सेंटेंस बन गए, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर्स यू हैव मेट, यू हैव राइट 6 स्ट्रक्चर्स। आज हम इसी पे कर देते हैं, इसी पे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, देख लोगे ना इस पे, हाँ देख लोगे। तो हम इसके स्ट्रक्चर्स की वाला बता लें, हम सेंटेंसेस हमें कैसे बनाना है, ये देखो बिल्कुल ध्यान से देखना है। भूतों का अस्तित्व तो हो सकता है, कैसे बनाओगे, भूतों का अवशिष्ट हो सकता है, इसको चलो मिटा दो, इसकी स्क्रीनशॉट लगाना, ठीक है, थोड़ा सी क्योंकि क्या है जगह थोड़ी कमी पड़ेगी, ठीक है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लें, और अब सेंटेंस को बनाना है, ठीक है, बनाना है ध्यान से, हाँ गुड, ठीक है। तो क्या है, भूतों का अस्तित्व हो सकता है, भूतों का अस्तित्व, ठीक है। तो जो ना मेरी जो ट्वी वर्क की एडवांस वाली वीडियो देखिए, भूतों का अस्तित्व, किसका अस्तित्व, भूतों का मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ भूत मतलब गोस्ट, ठीक है, भूतों का अवसर हो सकता है बनाओ, ठीक है, हो सकता है। तो क्या बनेगा, भूतों का अस्तित्व हो सकता है, ठीक है। देखो ये सेंटेंस दो प्रकार से हम बनाएंगे, एक तो हम इट से ही बना सकते हैं, या फिर मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट कैन बी, ठीक है, इसमें कैन बी नाउन एडजेक्टिव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसमें गोस्ट भूतों का अस्तित्व पूरा ही सब्जेक्ट बन गया आपके, भूतों का अस्तित्व, ठीक है। एक ऐसे ही बना सकते हैं, इट से ही बना सकते हैं, किससे बना सकते इट से, तो आपको जोन बेस्ट लगे आप वो बताना, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, विच इज बेस्ट, यू हैव टू चूज, आपको चूज करना कौन सा सही है, ठीक है। तो आई थिंक मैं समझता हूँ कि ये सेकंड वाला मुझे राइट लग रहा, आप इसको बनाओ, ठीक है। तो ऐसा बनाएंगे, तो भूतों का अस्तित्व हो सकता है, किसका, भूतों का, ठीक है। तो इट से बनाएंगे, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें सब्जेक्ट ए है, लेकिन कैन बी भी है, ठीक है, लेकिन आगे नहीं है, ठीक है। भूतों का अस्तित्व हो सकता है, इट से बनाएंगे, ठीक है, इट से ध्यान रखना, भूतों का अस्तित्व ऐसे बनाओ। नेक्स्ट बनाओ, भूतों का अस्तित्व
अस्तित्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलो दोनों प्रकार से बनाते हैं यार, तुम भी लगे आप भी लगे, ठीक है। दोनों प्रकार से बनाएंगे कैसे, यहाँ से बनाए यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना, तो क्या आएगा ई से बनाओ, ठीक है। एक्सिस्टेंस ऑफ गोस्ट कैन नॉट बी, एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट कैन नॉट बी, नहीं हो सकता। या फिर हम क्या बनाएंगे, दोनों प्रकार से, फर्स्ट टाइप है ये, फर्स्ट ये सेकंड है, दोनों टाइप से बना रहे हैं, ठीक है। ध्यान से क्या आएगा, इट कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, ठीक है आ गया। क्या भूतों का अस्तित्व हो सकता है, यहीं से बना रहे क्योंकि यहाँ जगह बचेगी डबल डबल थोड़ी सी। क्या भूतों का अस्तित्व हो सकता है, क्या भूतों का अस्तित्व है, क्या दोनों प्रकार से बना रहे, ध्यान से देखना। क्या भूतों का अस्तित्व हो सकता है, बोथ टाइप क्या आएगा, पहले इस प्रकार, फर्स्ट टाइप कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट बी, ठीक है, कैन एग्जिस्टेंस ऑफ बी, या फिर हम बना सकते कैन इट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट। देखो मैं दोनों प्रकार से आपको बनाने सिखा रहा हूं, ठीक है, दोनों प्रकार से, बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत नया है, मेरे लिए भी नया है, ठीक है। दोनों प्रकार से हम बनाना सीख रहे हैं, तो आप अगर एक बार सीख लोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे, इसलिए फोकस ऑन द बोर्ड, क्लास छोड़कर नहीं जाना, बिल्कुल कसम है आपको, ठीक है। तो क्या भूतों का अस्तित्व नहीं हो सकता है, क्या भूतों का अस्तित्व, नहीं हो सकता है, क्या आएगा, दोनों प्रकार से बनाना है, कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट नॉट बी, या फिर इट से बनाएंगे, कैन इट नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट। एक तो आपको मीनिंग भी याद हो जाएगी एग्जिस्टेंस में, ठीक है, हो गया, यस बिल्कुल हो गया, ठीक है। क्या भूतों का अस्तित्व क्यों हो सकता है, भूतों का अस्तित्व, लोग बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना, तो हम बोल सकते हैं भूतों का अस्तित्व क्यों हो सकता है, क्यों हो सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो कहेगा वाई, दोनों प्रकार से बनाएंगे, कैन, व्हाई कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट बी, ठीक है, हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट बनाओ, क्या बनाएंगे, सेकंड टाइप, व्हाई कैन इट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, आ रहा ना समझ में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भूतों का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता है भाई, बना सकते हो ऐसा, बिल्कुल बना सकते हो, भूतों का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता है। जो सोच रहे होंगे कि हाँ मैं तो साइडिस बना लूँगा, थोड़ी सी उनके लिए डिफिकल्ट आ गई होगी, ठीक है। दोनों प्रकार से, व्हाई कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट नॉट बी, व्हाई कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट नॉट बी, भूतों का अस्तित्व वाली बात है, ठीक है। तो इट से बना लो, व्हाई कैन इट नॉट बी
why can it not be existence of ghost? ठीक है, तो इस प्रकार हमें सेंटेंस को हम बनाना सीखना है, बनाना, ठीक है। तो रिपीट करूँ क्या? रिपीट करना पड़ेगा, आप लोग को दिमाग से निकलेगा आई थिंक, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना, भूतों का अस्तित्व मतलब, अगर आपने ट्यूबर की क्लास देखी होगी एडवांस वाली, नहीं हो तो जाकर देख लेना, सबसे नीचे जाना ट्यूबर एडवांस लिखा होगा, ठीक है। भूतों का अस्तित्व हो सकता है, ठीक है, तो उसमें देखना भूतों का अस्तित्व, किसका अस्तित्व? भूतों का, सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा, भूतों का अस्तित्व हो सकता है, तो इसके आगे और कुछ नहीं बताया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट कैन बी, हो गया, या फिर इट से बना सकते हैं, हमें समझ नहीं यार, इट से बना, पूरा पूरा पीछे ले जाओ, ठीक है। तो इट कैन बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, भूतों का अस्तित्व हो सकता है, ये भी दो प्रकार से, ये भी आपका 100 to 100% सही है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सेंटेंस, भूतों का अस्तित्व नहीं हो सकता है, भूतों का अस्तित्व नहीं हो सकता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट कैन नॉट बी, उस भी प्रकार इट कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, दो प्रकार से हम सेंटेंस को हम बना रहे हैं, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, क्या भूतों का अस्तित्व हो सकता है, कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट बी, क्या भूतों का अस्तित्व हो सकता है, इस दूसरे प्रकार है, कैन इट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, कैन इट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, क्या भूतों का अस्तित्व नहीं हो सकता है, कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट नॉट बी, या फिर कैन इट नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, भूतों का अस्तित्व क्यों हो सकता है, वाई वाई कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट बी, या फिर वाई कैन इट बी एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट, यू कैन मेक द बोस्ट टाइप, भूतों का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता है, वाई, तो आएगा वाई कैन एग्जिस्टेंस ऑफ गोस्ट नॉट बी, या फिर why can it not be existence of ghost, so you can make a both type sentences, तो ये है पावर है आपके लर्निंग की, अंडरस्टैंड। आप लोग सोचा इट इज़ वेरी ईजी, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग ले लिया, बाकी वो बाकी जो सरल वाले डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, तो यू कैन मेक द वेरी इजिली, आई कैन बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, आई कैन नॉट बी डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, कैन आई बी डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, कैन आई नॉट बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर किस लिए बन सकता हूँ, फॉरवर्ड कैन आई बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर किस लिए बन सकता हूँ, फॉरवर्ड कैन आई नॉट बी डॉक्टर, तो ये तो ईजी है, लेकिन ये थोड़ा मस्त वाले हैं, ऐसे समझे, बिल्कुल आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको लिखना हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, फिर एक होमवर्क में है, आप इसको एक या दो सेंटेंस इस प्रकार के और बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपकी बेसिक क्लास भी हो गई, और आपकी ये समझो आपकी एडवांस क्लास भी हो गई है, तो यह क्लास आपके लिए इतनी ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो मैं भी पढ़ा सकता था एक बार में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बहुत सी चीज़ें मैंने देखे मैसेज, यार एक बार में क्यों नहीं पढ़ाते यार, सब कोई पढ़ा देते, मैंने कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगा, एक बना सकता, ठीक है, बनाओगे ना, बिल्कुल बनाओगे, यू कैन मेक, तो बनाओ मोबाइल का कवर, होमवर्क है, मोबाइल का कवर मजबूत हो सकत है, हो सकता है, बना सकते हो ना, फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड है, आज मैं सेंटेंस होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, मोबाइल का कवर मजबूत हो सकता है, ऐसे बनाना, ठीक है, ऐसे दो प्रकार से आप बना के देखें, जिस प्रकार यू हैव चांस, यू हैव चांस, अंडरस्टैंड, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। दूसरा लो थोड़ा अच्छी लेवल के सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है, घर मैं यही लिख रहा हूँ, ठीक है, दो सेंटेंस दे रहा हूँ, बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखना इसी को, कहा है घर का सामान पुराना हो सकता है, बाकी बन सकता है वाले बना सकते हो, तो ये आपको होमवर्क है, इट इज़ होमवर्क, यदि जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकता है, मैं मानूंगा कि यस इट इज़, यह क्या है, यह मेरा कि इसका रिस्पॉन्स है, दो प्रकार का सेंटेंस आपको बनाना है, इट से ही बना सकते हैं, इससे ही बना सकते हैं, बाकी जो सिंपल वाले हैं वो भी बना सकते हैं। तो आज की एक क्लास थी, होमवर्क भी दे दी आपको, आपको एक क्लास, आई होप इट विल बी यूजफुल फॉर यू, तो कैसे लगे यू कैन टेल मी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको लगे कि यह वीडियो शेयर होनी चाहिए तो यू कैन शेयर दिस वीडियो, शेयर जरूर करें, जरूर से ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इनको कमेंट बॉक्स में लिखना है,
वाक्य के भी सेंटेंस आपको बनाने हैं ताकि आप भूल ना पाओ। क्लास में तो याद हो जाते हैं लेकिन फिर उसके बाद हम रिपीट नहीं कर पाते हैं तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूब सेंटेंस बनाओ, अच्छी इंग्लिश सीखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।